दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कई लड़कियों के कई महिलाओं के निप्पल्स दबे रह जाते हैं इन द सेंस कि वो भाई उठे हुए नहीं रहते हैं। उनको कैसे आप बाहर ला सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है इसको आप जानिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सो देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि कई महिलाएं होती हैं वो आजकल टाइट ब्रा पहनती हैं, ठीक है। तो टाइट ब्रा पहनने के चक्कर में उनका लाइफ टाइम ये होता है, लाइफ स्टाइल पूरा यही हो जाता है, तो उनके जो निप्पल्स की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है कुछ समय के लिए या परमानेंटली भी रुक जाती है, तो वो निप्पल्स जो है अंदर दबा हुआ रह जाता है। अब दिक्कत कब आती है, देखो भाई कई महिलाएं जो होती है प्रेगनेंसी हो जाती है उनकी कंसीव और 9 महीने तक बढ़िया डॉक्टर को दिखा रही होती हैं गायनेकोलॉजिस्ट को, और फिर जब गायनेकोलॉजिस्ट पूछता है भाई आपकी निप्पल्स बन रही हैं नहीं बन रही हैं, तो बोलती हैं नहीं बन रही हैं। फिर गायनेकोलॉजिस्ट को बहुत गुस्सा आता है, क्यों कि भाई अब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ गया और इनकी निप्पल्स नहीं बनी, तो बच्चे को दूध कैसे पिलाएंगे जब निप्पल्स पूरे बाहर नहीं आए हैं। तो ये दिक्कत होती है बहुत बड़ी जो बच्चे के लिए नुकसानदायक होती है। भाई बच्चे को क्या चाहिए, दूध पिलाना पैदा होते सही, तो आपके निप्पल्स नहीं बनेंगे तो कैसे पी पाएगा, जाहिर सी बात है। तो कई महिलाओं को ये नहीं बन पाते हैं या प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए, ये क्यों होता है पहले ये समझो आप। यहाँ पे इसे बोलते हैं भाई इन्वर्टेड निप्पल बोलते हैं इस कंडीशन को। इन्वर्टेड निप्पल ये क्या होता है दोस्तों, कई तरह का होता है, पेंटेड होता है, फ्लोटेड होता है, इंडेंटेड होता है एंड टक्ड होता है। ये कुछ इसके टाइप्स होते हैं कि भाई इतने टाइप का ये हो सकता है, ठीक है ना, सबके अलग अलग है, डिज़ाइन अलग अलग हो जाता है सब में। इसकी कुछ ग्रिड्स भी होती हैं। ग्रिड्स कैसी होती हैं कि भाई अगर किसी महिला है और उसका डिलीवरी टाइम आ गया और उसने देखा कि भाई मेरे निप्पल्स डेवलप नहीं हो पाए, तो अब वो क्या है? पहली ग्रेड होती है भाई, उसमें क्या होता है कि आप हाथ से निप्पल को जो उठाने की कोशिश करोगे, थोड़ा हाथ से उसको बोलते हैं मसाज जैसा करने की कोशिश करेगी महिला, तो वो ठीक हो जाएगा, उसे बोलते हैं ग्रेड वन का इन्वर्टेड। दूसरा होता है ग्रेड टू, तो ग्रेड टू में क्या होता है भाई, हाथ से उठाने की कोशिश की निप्पल को लेकिन वो फिर से अंदर घुस गया, फिर से दब गया, तो उसे बोलते हैं ग्रेड टू। एक ग्रेड थर्ड भी आता है जिसमें क्या होता है सर्जरी करना पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो तब भी नहीं आ रहा है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, पहला जैसा कि मैंने आपको बताया टाइट ब्रा पहनना, कुछ फाइब्रोसिस के द्वारा होता है, कई बार फाइब्रोसिस हो जाता है उसके द्वारा, क्योंकि भाई देखो निप्पल्स क्या है, ये मसल्स है, इसके अंदर बहुत सारी मसल्स हैं जाहिर सी बात है, तो ये मांस का ही है, सेल्स हैं, तो इसमें क्या कई बार ग्रोथ नहीं हो पाती है, ग्रोथ होती है तो उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, गठान बंद कर जाती है, अंदर के अंदर घुसने लगता है। तो ये निप्पल्स जो होता है ये बनना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब इसके लिए कर क्या सकते हैं, देखो भाई इसके लिए ऐसा कोई अगर वो ग्रेड वन और ग्रेड टू पे है, मतलब ग्रेड थर्ड तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, उसमें तो ये समझ लो कि बच्चे को दूध तो पिला ही नहीं सकती माँ। ग्रेड थर्ड का अगर इन्वर्टेड निप्पल हो गया है तो वो बच्चे को दूध ही नहीं पिला पाएगी, बच्चे को जो है दूसरा दूध पीना पड़ेगा। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड जो बताया मैंने आपको कि भाई वो निप्पल बार बार अंदर घुस जाता है फिर आ जाता है बाहर हाथ लगाने से, तो होता क्या है इस कंडीशन में, आप चाहो तो घर पे कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, निप्पल्स की एक्सरसाइज कराना पड़ती है। अब एक्सरसाइज कराने के लिए क्या दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से एक सिरिंज लेना, ये सिरिंज है, ये आप 5 ml या 10 ml का ले सकते हो, 10 ml का तो बड़ा हो जाएगा खैर, तो ये इस तरह से आपको ये ऐसे इसका प्लगजर को ऐसे निकालना है, ये यहाँ से काट लेना, कट कर लेना इस तरह से, ये देखो मैंने ये कट करके रखा था हालांकि, सो ये कट कर लिया अपन ने, ये देखो इस तरह से, ये अभी इतना चल रहा है। अभी इसको क्या है निप्पल पे रख के इस तरह से यहाँ फोटो में देखिए और इसको खींचना है, ये चाहे तो महिला भी कर सकती है या तो उसका पार्टनर कर सकता है या किसी फ्रेंड का अपने साथ ले सकती है। ये सुबह शाम करना है 2 से 5 मिनट डेली, निप्पल्स को इससे खींचने की कोशिश करना और रखना है बहुत देर तक इसके अंदर, तो ये कम से कम नहीं तो 5-6 दिन करना ही करना है, 5-6 दिन में निप्पल्स बनने लगेगा, इसका यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो उसमें सर्जरी होती है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों इन्वर्टेड निप्पल्स, जो कि हर महिला को पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो आज से पता चल गया, टाइट ब्रा नहीं पहनना है, दिक्कत आएगी बाद में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर करो, सब्सक्राइब करना चाहो सब्सक्राइब भी कर लो ऐसे वीडियो और देखने के लिए। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।